ज़ाहिर शाह को कौमी एहतिसाब ब्यूरो का कायम मकाम चेयरमैन तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ाहिर शाह को कौमी एहतिसाब एक्ट 1999 की सेक्शन 6B के तहत चेयरमैन नैब तैनात किया गया। ज़ाहिर शाह का तकर्रुर नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ज़ाहिर शाह की तैनाती 22 फरवरी से की गई है। ज़ाहिर शाह इससे पहले नैब में एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेल भरो तहरीक को गैर अहम करार दे दिया। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की लंदन में मुलाकात। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कायद ने इमरान खान की तहरीक को गैर अहम करार देते हुए कहा कि जेल भरो तहरीक में कोई बात हो तो करें। मोटरवे M5 पर मुसाफिर गाड़ी में तसादुम, 13 अफराद जां बहक हो गए। हादसा ठल खैर मोहम्मद थाना रुकनपुर की हदूद में पेश आया, जहां टायर फटने से मुसाफिर वैन उलट गई, जिसके जख्मी मुसाफिरों की जानिब से निकलने की कोशिश जारी थी कि पीछे से आने वाली मुसाफिर बस मुतासरा मुसाफिरों पर चढ़ गई। मोटरवे पुलिस ने बताया कि मुसाफिर बसें फैसलाबाद से सेवन शरीफ जा रही थी। और मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के बाद फिर तेज होने लगे जानलेवा वायरस से मजीद 2 मरीज लुकमाए असल बन गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5019 टेस्ट किए गए, जिनमें से 42 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रही। NIH रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क भर में मोहलिक वायरस में मुबतला 15 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।